हाय गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नोवल कोरोना वायरस के कारण हम जब कभी भी कोई वेजिटेबल यूज़ करने लगते हैं तो हमारे मन में ये शंका बनी रहती है कि ये वेजिटेबल्स उस किसी व्यक्ति ने ना छुई हो जो संक्रमित हो, और इन वेजिटेबल्स में भी वो वायरस के कुछ अंश ना आ गए हों, तो ये डर हमारे मन में बना रहता है। आजकल हम जैसे कि जानते हैं और देखते हैं वीडियोस में, काफ़ी वायरल वीडियोस आ रही हैं कि वेजिटेबल्स को सर्फ के साथ या सोप के साथ वॉश किया जाता है, तो ये टोटली रॉन्ग है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वेजिटेबल्स होती हैं उनकी स्किन जो होती है वो पोरस होती है। हम जिस किसी चीज़ के साथ भी उन्हें वॉश करते हैं वो अंदर तक चली जाती हैं, तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय हमें गुनगुने पानी के साथ हमारी वेजिटेबल्स को सबसे पहले वॉश करना चाहिए। ऐसा करने से ये 90-95% जर्म फ्री, इंसेक्ट्स फ्री और वायरस फ्री हो जाएंगी और टोटली क्लीन अप हो जाएंगी। तो ऐसा मेथड हमें अपनाना चाहिए। आज मैं आपको इसके अलावा एक और विधि बताऊंगी, जिसे करने से आपकी जो वेजेस हैं पूरी तरह से वॉश अप हो जाएंगी, अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगी। इसके लिए सबसे पहले हमने पानी लेना है, उसमें 1 टेबल स्पून मीठा सोडा डाल देना है और इसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, हिला देना है, ताकि मीठा सोडा पानी में अच्छी तरह से घुल जाए। और उसके बाद हमने सभी वेजिटेबल्स को जिन्हें हमने ल्यूक वार्म वाटर के साथ वॉश किया था उन्हें इस पानी में डाल देना है। 1 by 1 सभी वेजिटेबल्स हम डाल देंगे और इसे 5 से 10 मिनट हम ऐसे ही रहने देंगे, ताकि पूरी तरह जो ये हमारी वेजिटेबल्स हैं जर्म फ्री, इंसेक्ट्स फ्री हो जाएं और इनमें किसी भी तरह का वायरस ना रहे। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है, इसे अपनाइए। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको होम रेमेडी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।